कांग्रेस सरकार में सेना को छूट नहीं थी, उन्हें बिना ऑर्डर गोली चलाने की इजाजत नहीं थी। मोदी सरकार में फौज को खुली छूट है, आज हमारे जवान दुश्मनों को घर में घुसकर मारते हैं। कांग्रेस के जमाने में जब पुंछ के बॉर्डर पार, पुंछ से बॉर्डर पार पाकिस्तान से गोलियां चलती थी तो हमारे फौजी को ऑर्डर नहीं था कि तुम इसका जवाब दो। वो बेचारा कोर हेडक्वार्टर चंडी मंदिर को इन्फॉर्म करता था और चंडी मंदिर दिल्ली को इन्फॉर्म करता था। दिल्ली बोलता था चुप बैठो, जब बताएंगे तो जवाब देना। आज जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं सीधे सीधे फौज को ऑर्डर है जहां से गोली चले जब तक गोली का मारने वाला शांत ना हो जाए गोली रुकनी नहीं चाहिए, जवाब देना चाहिए। जी।